हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। सबसे पहले गुड इवनिंग आप सभी को। अभी शाम के 4 हो रहे हैं, तो आज हम और धर्म भाई आए हैं सरसों काटने अपने गेहूं के खेत में, जो कि पीछे आप देख सकते हैं। वो धर्म भाई भी गेहूं काट रहे हैं, तो धर्म भाई उधर देखिए आ रहे हैं मेरे पीछे। और अभी इतना सारा सरसों काटना है, तो चलिए बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं। तो धर्म भाई ये बताओ, ये जो कट रहा है कब तक काटोगे पूरा? अरे कल तक, पूरा तक के हिसाब। अच्छा, कल तक। तो ये पूरा वहाँ तक खेत है, इसको आज आधा तो काट ही लेंगे हम लोग मिल करके, फिर बाकी कल काटा जाएगा। ये रहा जंगल हमारे गांव की तरफ का। ये पूरा देखिए, गेहूँ धीरे धीरे पक रहे हैं। 2-4-6 दिन लमसम 1 हफ्ते में गेहूँ काटना स्टार्ट हो जाएगा लोगों का। अब ये देखिए बाल सूख रहे हैं पूरा, चारों तरफ गेहूँ ऐसे आप पके हुए देख सकते हैं। ये देखिए सरसों कैसे काट रहे हैं धर्म भाई। आस्था, आस्था, उधर देखो, पटीदार के पास हथियार न होने के कारण वो जड़ से उखाड़ रहा है इस सरसों को। या इधर दिखा, बाहुबली 2। तो फ्रेंड, हम लोगों का साथ देने के लिए पुल्लू भाई आ गए हैं इस गेहूं के खेत में सरसों की कटाई करने के लिए। हंसिया इधर है, ये लो हंसिया, जाओ जाओ बेटा, काटो, काटना स्टार्ट करो। ये हैं धर्म भाई। देखो बिटिया हमारा घास छोड़त है, क्या करते बिट्टी? नार बनवा था ते घास छोले बहनी। यार देखा बेटी, घास छोले था। हाँ, कितना गुड़ गया हुआ था घास अपन, का करबू घसिया? आय दाई ते थी बू, तो हर गाय दूध दे। हाँ, तो दूध हो पावत हो कि नहीं? इधर देखिए मौसम पूरी तरह से आज सफा है, आसमान में कहीं बादल वगैरह नहीं दिख रहे होंगे। ये देखिए पुल्लू भाई जब काट रहे हैं गेहूं, देखिए कितना बड़ा बड़ा है, कितना ऊंचाई है, कमाल कर। खपस न आवे तो से दिमाग माँ बहन कहीं नहीं आती थी। पुल्लू भाई आज बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखिए सरसों लेके आ रहे हैं खेतों में से। ये देखिए, एक साइड एकदम हरा गेहूं और एक साइड एकदम पका गेहूं, दोनों में 10 दिन का डिफरेंस है। ये देखिए मौसम पूरा एकदम, ये देखिए भाई आस्था पानी ले रही, पानी नहीं दे रही पीने के लिए।
वहाँ देखा एक भौजी सरसों निकाल रही हैं, एक भौजी लकड़ी काट रही हैं, एक भौजी घास छोल रही हैं। सूर्य की रोशनी देखिए कैसे किस प्रकार चमक रहा है। हाय बेबी। अंदर खड़े हो बट्टी गेहूं में भाई। धर्म भाई देखिए बोझ बांध दिए हैं इतना बड़ा, ये उल्लू भाई के लिए, ये मेरे लिए, बाकी वो अपने लिए बांधे हैं। और तुम्हारे लिए बोझ कहाँ बनेगा? मेरे लिए नहीं बचेगा। तुम्हारे लिए नहीं बनेगा? नहीं। क्यों, तुम नहीं ले जा सकती हो? ले जाती हूं। ले जाओ फिर अपना बोझ तुम। नहीं बांधता। पापा नहीं बांधता है।